हम बात कर रहे हैं आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोलरिटी को देखेंगे। कुल मिला के किस कार्बन पे पॉजिटिव, किस कार्बन पे नेगेटिव, ये हमें इस पॉइंट पे ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या क्या पढ़ेंगे देखते जाओ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इफेक्ट इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। नंबर वन, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा मेन रहेगा। नंबर टू, इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा हम पढ़ेंगे इसमें रेजोनेंस इफेक्ट। थर्ड हम इसमें जाएंगे हाइपर कंजुगेशंस, इफेक्ट। फोर्थ हम इसमें एक और पॉइंट पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। फिर हम इसी के अंदर इफेक्ट्स और पढ़ेंगे SIR एंड SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशंस ऑफ रेजोनेंस एंड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशंस, ये इफेक्ट हमारे रहेंगे। सिक्स वो हम इसके बाद हमारा रहेगा एक और ऑर्थो इफेक्ट। ये सारे इफेक्ट्स हमारे यहां पैरेलल चल रहे हैं। इज दैट क्लियर। सेवेंथ एरोमेटिक या एरोमेटिसिटी, ये भी अपने आप में एक इफेक्ट आएगा। तो ये तो हमारे रह गए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो आपने पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7। इज दैट क्लियर। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इफेक्ट इनकी क्या एप्लीकेशन रहेगी ये हमें करना है। फिर इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन यानी C+। सेकेंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, लिखते जाएं इसको C-। थर्ड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, C-। फोर्थ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये सारा हमारे पास रहेगा। फिफ्थ हम यहां पर पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक बेस, इसके अलावा हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हम पढ़ेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे हमारे टॉपिक्स रहेंगे। समझ में आ रही है बात? तो आप इन सभी को नोट डाउन करिए कि हम क्या क्या करेंगे और क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंस रहेगी। तो कुल मिला के बड़ा चैप्टर है और बहुत अच्छी नॉलेज देता है। जिस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री में मोल की इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी की इंपॉर्टेंस है। सही है? एचओसी मतलब हीट ऑफ कंबशन और एचओएच का मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हमने ये सारे पॉइंट्स लिख लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, इनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन की होते क्या है ये। तो स्टार्ट करें, इससे पहले हम इन पॉइंट्स पे एक बार डिस्कशंस करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट और इसके लिए हमें बेसिक फंडामेंटल क्या चाहिए। सही है? हटा दूं मैं ये पॉइंट्स। तो कुछ ऐसी बातें जो मुझे चाहिए, जो इस चैप्टर की नहीं है लेकिन फिर भी मुझे इसमें काम आएगी, उसमें कुछ टर्म्स है जो आपको मैं एक बार बता देता हूं। एक टर्म तो आपके पास आएगी और वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट्स। आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? तो थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इसके लिए चाहिए। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेडिंग डालते जाएं और लिखते जाएं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो सकता है यहाँ पर कि अगर कोई ए और बी है, आप जानते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड है। सही है? रूल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होने चाहिए? सेंटर में। अब यहाँ एक्चुअल में सेंटर में कभी नहीं मिलेंगे आपको, या तो ए की तरफ मिलेंगे या बी की तरफ मिलेंगे। और अगर ऐसा हुआ कि बी की तरफ मिल रहे हैं या ए की तरफ मिल रहे हैं तो ये कंडीशन हो गई, और बी की तरफ मिल रहे हैं तो ये कंडीशन हो गई। यानी जो सेंटर में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये है। तो हमने पहली बार देखा इसकी तरफ शिफ्ट होने से इसके ऊपर माइनस डेल्टा और ये बी पे प्लस डेल्टा, यहाँ पर प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा। तो मेरे दिमाग में ये आया कि जब भी पोलरिटी आती है, इसको बोलते हैं पोलरिटी जनरेशन, जब भी पोलरिटी आती है इसका मतलब कहीं ना कहीं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, एक की ज्यादा है और एक की कम है। दोनों की बराबर हो तभी सकती है जब दोनों सेम एटम हो। समझ में आ रहा है? तब बीच में रहेंगे, यानी ए ए के बीच में। यदि दोनों जगह ए हो तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां होगा? बीच में। लेकिन यहां तो नहीं है, इससे यह पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? इट इज द फोर्स टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे लिए एक फोर्स है जो अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को बताता है। तो इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? तो यहां बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए और बी में? बी की ज्यादा है, और ये रिलेटिव क्वांटिटी होगी। अगर किसी छोटे बच्चे की लड़ाई मेरे से करा दी जाए, ऑब्वियसली मैं जीत सकता हूं, और मेरे से किसी पहलवान की लड़ाई करा दी जाए तो वो जीतेगा। तो क्या है, मैं ये कह सकता हूं कि मैं उसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं और वो पहलवान मेरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बस। तो ये ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि ए और बी में हमेशा, मतलब बी की बहुत ज्यादा है, रिलेटिव चलता है। इज दैट क्लियर? लेकिन हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं इतने सारे एलिमेंट हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा? फ्लोरीन। तो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, जिसको हम मानते हैं 4.0 स्केल पर, यानी इतना ताकतवर है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन 3.5, उसके बाद आता है नाइट्रोजन 3.0, और
क्लोरीन थोड़ा सा कम आता है, अप्रॉक्सीमेट वही है 2.9 और 3 ही बोल देते हैं हम। और बाद में हमारे कार्बन आता है 2.4, बीच में बहुत सारे एलिमेंट अब आने लग गए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उनका तो हमें याद रखना है। और मेटल की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है मेटल्स की, तो आप समझ सकते हैं इन सब एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है और सबसे कम हाइड्रोजन है। हाँ बेटा, यूनिट नहीं है, हम अभी इसको अलग अलग स्केल में अलग अलग यूनिट है, हम इसको रिलेटिवली बात कर रहे हैं, सही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हमने डिफाइन किया तो हमारे दिमाग में एक ही था, एटम पे हमने डिफाइन करने की कोशिश की, समझ में आ रहा है, एक ग्रुप पे हम डिफाइन नहीं करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। बाद में जब हमें पता चला कि एटम में अगर कोई दूसरा एटम अटैच हो रहा है या उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, उससे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाती है, समझ में आ रहा है, यानी इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का भी फर्क पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे किसका इफेक्ट पड़ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन का। कैसे? ध्यान से सुनना, हमने ये कार्बन लिया, एक कार्बन, और एक कार्बन ये लिया, दो कार्बन है, दोनों हमें एक जैसे लग रहे थे, थोड़ा दूर लग, लेकिन मैंने क्या किया, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर इस तरह से रखा, मुझे कार्बन की चार वैलेंसी प्रूव करनी थी ना, लेकिन इस पाई वजह से यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2। ये बॉन्डिंग कंसेप्ट आ गया कि एक पाई बॉन्ड आती sp2, अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है sp3, सही है। तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? तीन, और जबकि इसमें कितने हैं? चार, 1 + 3 = 4। तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा? तीन में से एक ही ऐसे, तो 1/3 कितना हुआ? ये 33.33। और यहां पर कितना है परसेंटेज एस करेक्टर? चार में एक है, 25%। तो एस करेक्टर ज्यादा होना ये बताता है कि एस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। और एस स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है। तो आप बताएं एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्पेरिकल होता है, यानी गोलाकार होता है, तो मैं स्पेरिकल लिख देता हूं। एंड मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, सो अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स हाई, और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? दोनों ही कार्बन कार्बन है, हमारे हिसाब से तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए थी? 2.1। तो मान लीजिए ये 2.1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब 2.1 से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और कितनी हो जाएगी? कुछ भी हो जाएगी, कार्बन की कितनी होती है? 2.4। तो 2.4 से थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। तो ये हमारे पास जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस डेल्टा, और इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस डेल्टा। और शेयर इलेक्ट्रॉन यहां होने चाहिए क्योंकि दोनों सेम कार्बन, सेम एलिमेंट है, सेम एटम है, लेकिन कार्बन की तरफ होंगे जिसके ऊपर एस करेक्टर ज्यादा है, सही है। तो ये 2.4 से बढ़कर 2.8 की तरफ चली जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं जा रही कि नाइट्रोजन को क्रॉस कर पाया। आ रही है बात समझ में? तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हमने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी है वो नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज्ड पोजीशन पे लिखी है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है, यानी एक ही एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग भी हो सकती है। ये तो हमारे पैरामीटर में है कि इंडिविजुअली एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, यानी पाई बॉन्ड आने के साथ, अटैच एटम चेंज होने के साथ भी फर्क पड़ता है। थोड़ा सा और हम इसको पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जरूरत मुझे इस पूरे आर्टिकल में हर जगह पड़ेगी।
क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? एक और पॉइंट आपको यहां मुझे बताना है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका एस चेंज हो गया और लो, अब बताइए इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? एसपी, क्योंकि अब इसमें दो पाई बॉन्ड आ चुके हैं, और इस पे कौन सा है? sp2। इसमें परसेंटेज एस कितना है? दो में से एक ऐसे 50%, यहां तीन में एक ऐसे 33.33। कौन ज्यादा है? यहां ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, होना यहां चाहिए था, यहां आया माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। समझ में आ गई बात? तो आपको यह पता लगाना है कि क्या इसकी ज्यादा हो रही है। हाँ, इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, हो सकता है कि इसकी नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो जाए, और हो सकता नहीं है, वास्तव में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 point something है, तो नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो गई, नॉर्मल नाइट्रोजन से। लेकिन अगर नाइट्रोजन में भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है तो उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और मैंने आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा दिया। अब बात आते हैं, ये तो है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारे लिए काम आएगा इस चैप्टर में। हटा दिया जाए, ये लिखें पहले। एक और हमारे पास पॉइंट आ रहा है, कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको समझना है। जैसे सबसे पहले एक होता है कार्बन, नॉर्मल कार्बन, सिंपल कार्बन है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? चार। अंतर यह है कि सब जगह कोई कार्बन पे चार्ज नहीं है, कार्बन यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, sp2 रखता है, और यहां पर क्या रखता है? sp। Is that clear? Obviously, इसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये कार्बन 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 से जुड़ा होगा, तो इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, सही है? ये तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ नॉर्मल कार्बन। तो इसमें क्या होता है, हर कार्बन की कितनी वैलेंसी है? चार। तो कार्बन हैविंग 4 वैलेंसी, और ये 4 वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड से भी हो सकती है, यहां पाई बॉन्ड से भी हो सकती है, और उससे कोई खास फर्क नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है? एक होता है दूसरा पॉइंट, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या है पहले समझें आप। ये कार्बन डॉट, कार्बन डॉट, आ रही है बात समझ में? कार्बन डॉट यानी कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, लेकिन 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी अभी तक किसी से अटैच नहीं हुई है। यहां देखो, चारों वैलेंसी किसी ना किसी से अटैच थी, पक्का? तो ये वाला कार्बन की 3 वैलेंसी अटैच है, लेकिन एक वैलेंसी किसी के साथ अटैच नहीं है। तो अंतर क्या होगा इसका? जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाऊंगा तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। वैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो अगर आप कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो कार्बन में ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कितने होते हैं? 4। लेकिन कार्बन हमेशा कार्बन एक्साइटेड फॉर्म में ही रहता है बॉन्डिंग। जब भी वो मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगा या किसी भी स्पीशीज में रहेगा तो वो किस में रहेगा? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ के यहां आ जाता है, ये हो गए 4। तो कार्बन हमेशा बॉन्डिंग में या मॉलिक्यूल में एक्साइटेड फॉर्म में रहता है, और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। अब बॉन्डिंग करने के साथ ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे? कम। समझ में आ रही है बात? यहां तो इस जगह जब आपने करा था इस जगह, तो कार्बन का जब आप देख रहे थे तो कार्बन के पास चारों इलेक्ट्रॉन
इस तरह से नहीं थे, कार्बन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में था, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन किस तरह से थे, 1 2 3 4, हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही रहेगा, और चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। ये पेयर्ड होने के साथ ही ये किसी और के साथ बॉन्डेड हुआ है, पक्का। तो आप बताइए कार्बन इन सब में जितने भी मैंने बताए, कार्बन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, पेयर्ड है। कितने बॉन्ड बनाए इसने, चार, ये पहला बॉन्ड बताएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो अब पेयर्ड हो चुके हैं, और बनने वाले पेयर को हम बोलेंगे क्या, हम बनने वाले पेयर को जिसमें एक उसका खुद का है और एक सामने वाले का है, खुद का है सामने वाले का है, इसको बोलते हैं हम बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। कितने हैं इसमें बॉन्ड पेयर, चार। भले ही कार्बन यहां पर sp हाइब्रिडाइज हो, sp2 हो या sp3 हो, कहलाएगा क्या, बॉन्ड पेयर। समझ में आ रहा है, क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर। तो ये हमारे लिए सभी क्या है, बॉन्ड पेयर। इज दैट क्लियर। जबकि यहां हमारे साथ क्या होने वाला है कि हमारे पास एक ने बॉन्ड बनाया, दो ने बनाया, तीन ने बनाया और चौथा भूल गया, या कैसे भी समझ लो नहीं बनाया। तो हमारे पास इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्ड पेयर कितने, तीन, और अनपेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, एक। तो इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। जब भी किसी कंपाउंड में या सॉरी किसी एलिमेंट में या एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको बोलते हैं हम पैरा मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, पैरा मैग्नेटिक, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जब यहां पर सब बॉन्ड पेयर हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको बोलेंगे डाया मैग्नेटिक। तो आपने दो स्पीशीज पढ़ ली, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कार्बन और नॉर्मल कार्बन और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक। पेरा या डाई, पेरा। अब आगे एक और कार्बन की स्पीशीज है जिसका नाम है कार्बोकेटायन। थर्ड नंबर पे कार्बो केटायन, यानी CH3+ समझ लीजिए आप। कार्बो केटायन को कैसे समझते हैं हम, ये हमारे पास कार्बन की चार वैलेंसी, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं कार्बन एक्साइटेड स्टेट में है। स्टार आपको एक्साइटेशन का बताता है, एक्साइटमेंट का, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। चार में से कितने पेयर हैं, तीन, दिख ही रहे हैं तीन बॉन्ड बने हुए हैं, एक दो तीन। लेकिन ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये निकल चुका है, अब उस कंटेनर का पार्ट नहीं है, मतलब कार्बन में से निकल चुका है। तो कभी भी किसी में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से होता है। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है नेगेटिव, जा रहा है पॉजिटिव, प्रोटॉन आने जाने को मना कर देते हैं, टाइम नहीं है, न्यूक्लियस में रहते हैं। तो हमारे लिए यहां पर अगर मुझसे कोई पूछे कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो मैं बोलूंगा बॉन्ड पेयर तीन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, और कोई लोन पेयर भी नहीं दिख रहा है। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट हुआ, इज दैट क्लियर। तो फ्री रेडिकल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए अब इस जगह आफ्टर बॉन्डिंग, हमेशा आफ्टर बॉन्डिंग की बात की जाएगी, कितने हो गए, छह। बिफोर बॉन्डिंग कार्बोकेटायन में तीन। तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे आपके पास जो आता है वो होता है कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, यानी हम बोलेंगे CH3-। भाई कैसे बोल रहे हैं CH3-, वही कार्बन एक्साइटेड हुआ,
कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार हुआ करते थे, अब कितने हो गए? पांच, एक बाहर से आ गया, एक दो तीन चार पांच, नाइट्रोजन की तरह बन चुका है ये। अब कार्बन माइनस नाइट्रोजन है और कार्बन प्लस बोरोन हो जाता है। अब इसको क्या बोलोगे आप? सी माइनस, और उसको क्या बोल रहे थे आप? सी प्लस। ये सी माइनस हो चुका है। मुझे अब एक और चीज बताएं कि बॉन्डिंग के बाद इसके तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर थे वो भर चुके हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जीरो। बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें? बॉन्ड पेयर है इसमें तीन। लोन पेयर कितने हैं इसमें? एक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जीरो। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हैं, डायमैग्नेटिक। ये सारे पॉइंट्स हमारे पास हो गए। हमने चार तरह के पढ़ लिए, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल। पक्का? एक और होता है फिफ्थ, उसका नाम है कार्बीन, सी। पहले देखते हैं कार्बीन है क्या। रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे सी इस तरह से। अब आप देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, कार्बीन के साथ आपने दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कितने हैं? दो अनपेयर्ड है। समझ में आ रहा है? एक नहीं, दो, तो बाकी के दो तो पेयर्ड है। इज दैट क्लियर? तो आप मुझे बताएं, पहला पॉइंट, बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें? कितने दिख रहे हैं बॉन्ड पेयर? दो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। दिख ही रहा है? समझ में आ रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। यस और नो? तो ये हमारे पास हो गया कार्बिन। और लोन पेयर कितने दिख रहे हैं आपको? लोन पेयर कितने दिख रहे हैं जल्दी से बताओ? जीरो। कार्बिन दूसरे स्ट्रक्चर भी रखता है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ये है, और सेकेंड स्ट्रक्चर कार्बिन के पास कितने थे? दो अनपेयर्ड थे, ठीक है। उसने क्या किया? अनपेयर्ड को पेयर कर लिया और दो ही बॉन्ड बनाए, तो चार इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दो ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब क्या होगा? इस कार्बिन को भी आप रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन अंतर क्या हो गया? आप अंतर हो चुका है, बॉन्ड पेयर आपके पास अभी भी कितने हैं? दो। अनपेयर्ड अभी भी आपके पास कितने हैं? नहीं, पहले दो थे, अब कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? जीरो। और उससे लोन पेयर जनरेट हो चुका है, लोन पेयर कितने आ गए आपके पास? एक। कि वो जो कहने का आसान भाषा का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे अनपेयर्ड थे, उन्होंने पेयर्ड कर लिया, और एक हुंड रूल जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं वो तोड़ दिया। तोड़ना आसान नहीं है, तो इसकी क्वांटिटी क्या रहेगी? कम होगी इस कार्बिन की, और इस कार्बिन की क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये कार्बिन की सेकेंड स्ट्रक्चर है। तो अगर हमसे पूछा जाए कार्बिन, तो बाय डिफॉल्ट हम वो लेंगे जो ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाली। दो अनपेयर्ड, दो पेयर्ड, बस दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, एक तरह से देखा जाए, सॉरी, दो बॉन्ड पेयर और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्या रहेगा? जीरो। मोस्ट मोर स्टेबल भी लिख सकते हो, क्योंकि हुंड का रूल ये कहता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहते हैं, ज्यादा स्टेबल रहता है, हुंड यही कहता है। ऐसे पेयर करते हुए नहीं पहले, पहले एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, फिर पेयरिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हुंड ने कहा है, तो हुंड रूल ब्रेक करने के लिए उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम।
तो ये आप लिख सकते हैं लेस स्टेबल इस जगह कहेंगे, तो इसको भी हम यहीं पे, और मोर स्टेबल। तो आपने मुझसे अभी बेसिक इंफॉर्मेशन पूरा पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को ही पढ़ना है हमें, कार्बन की कितनी स्ट्रक्चर्स पढ़ ली अपने, नॉर्मल कार्बन में फर्दर क्लासिफाइड किया हमने एसपी एसपी टू एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन, यस और नो। फिर पढ़ा कार्बोकेटायन, फिर कार्बोएनायन, फिर फ्री रेडिकल, और एक हमने ये पढ़ा कार्बीन। आपको समझ में आ गया, कोई डाउट? आपने कुल मिला के जो भी मेरे साथ पढ़ा है, पांच स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखो, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया है, समझ में आ रही है बात?